बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। आज झांसी में सम्मान समारोह आयोजन आईटीआई स्थित खालसा स्कूल के पास मिठास विभाग घर में हुआ। सम्मान समारोह में रेलवे पेंशनर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आयोजन हुआ। पेंशनर एवं रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे। झांसी से नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। पेंशन दिवस भारतीय रेल पर मनाया जाता है जी। और हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और इस पे हम लोग हर नई नई दवा जो कुटाराघात होता है मजदूरों पे पेंशनों पे उनके हम लोग प्रस्ताव पास करके रेल मंत्री को भेजते हैं। जैसे नई पेंशन को बंद कराना, दूसरा ई पास चालू जो कर दिया वो हमारे कर्मचारी नहीं कर पाते। ई पास के बारे में थोड़ा सा खुले से बता पाएंगे सभी लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ई पास के बारे में बिल्कुल जान नहीं पा रहे। ई पास में क्या है तुम्हारा कि अगर मोबाइल या इंटरनेट है उसका तो वो घर से ही कर सकता है, अगर इंटरनेट नहीं है उसका तो उसे कैफे पे जाना पड़ेगा और 50 रुपये देने पड़ेंगे उसको, तब वो जाके वहाँ से तुम्हारा जो है अपनी एप्लीकेशन देगा, अपील देगा, उसी पर उसका पास आएगा। तुम्हारा फिर एक नंबर मिलेगा उसको, उस नंबर से केवल रिजर्वेशन करवाएगा, पास नहीं मिलेगा उसको, वो वाला कागज वाला पास जो है वो नहीं मिलेगा, वो बंद कर दिए सर। एक तरह